मैं जब भी झेलम स्टोर आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ए शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड बी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कलेक्शंस रहते हैं इनके स्टोर में एंड वो बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेती है कि फ्लोर पे क्या क्या डिज़ाइंस है, क्या क्वालिटी है, क्या यू नो फैब्रिक्स है. सो आई रियली लाइक इट. आई थिंक इट्स अ वेरी फन स्टोर, हाई क्वालिटी स्टोर. एंड इस दुकान में अगर आप आओगे ना तो हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा. वेरी स्वीट ऑफ हर एक्चुअली कि यू नो बहुत अच्छे शब्द कहे उन्होंने. अच्छा लगता है कि यू नो मेहनत करते हैं तो कोई इनके तरह अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करता है, तो यू नो यू ऑलवेज फील नाइस, यू फील मोर एक्साइटेड कि अगली बार कुछ और अच्छा करके दे. सो या आई मीन what we try to focus here, like she rightly said and pointed out, is I hand select, hand pick a lot of stuff, or really try to focus as much as I can on quality, new designers, new styles, exploring, you know, India literally. So it's a beautiful experience in itself. Thank you. Actually, आज मैंने एक designer पहना है जिसने ये jewelry किया है and उसकी ज्वेलरी के इन्फ्लुएंसेस आर ट्राइबल इन्फ्लुएंसेस एंड दे आर वेरी क्लियरली एविडेंट इन द ज्वेलरी शी इज़ क्रिएटेड. सो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि तीन बहुत ही अलग एक्सेसरी डिज़ाइनर्स हैं यहाँ एंड दे आर ऑल यूजिंग नेचुरल फैब्रिक्स, नेचुरल स्टोन्स, जो इंडिया की खासियत है वो यूज़ कर रहे हैं. तो आई थिंक इंडिया फैशन इज़ कमिंग अप एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड एंड proud of the fact कि हमारे designers, हमारे कारीगर, हमारे जो traditions हैं उनको मन में रख कर ये नए fashions बना रहे हैं. so it's very cool. so आप कितना trends follow करती हैं? मैं trends को ज़्यादा नहीं follow करती हूँ. I think I have a classic style of fashion and अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है कि मैं अपने आप कुछ funky बना देती हूँ. like टुडे मैंने यू नो जस्ट डिड माई ओन थिंग, बट आई डोंट रियली फॉलो द ट्रेंड्स. बट ट्रेंड्स आर इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट्स यू नो लाइक इट गिव्स यू इंस्पिरेशन. एक ट्रेंड आपको कुछ इंस्पायर कर सकता है अगर कुछ ट्रेंड है. राइट नाउ मैं आई लव साड़ीज. मैंने आज भी एक रेडीमेड साड़ी पहनी है बट आई जस्ट लव साड़ीज. मुझे लगता है कि एक ये हमारा जो इंडियन आउटफिट है साड़ी इज़ द बेस्ट थिंग दैट अ वुमन कैन वेयर. इट मेक्स यू फील सो फेमिनिन एंड इट्स जस्ट सो ग्रेसफुल. डजंट मैटर व्हाट साइज यू आर, व्हाट हाइट यू आर, व्हाट शेप यू आर, द साड़ी विल जस्ट ड्रेप यू विथ सो मच लव एंड इट मेक्स यू लुक अमेजिंग. Oh, I love jewelry, but that's because I'm a girl. I think bachpan se ladkiyon ko you know sikhaya jata hai ki jewelry is your friend. Aapko kuch bhi chahiye to jewelry mango. But I like jewelry, but I'm in a space jahan main sochti hu ki hame abhi jo hai hamare paas wo hame use karna chahiye. Zyada hamari duniya ko zyada lootna nahi chahiye jo hum kar rahe hain. We should not destroy the earth for our own benefit. So I do enjoy my jewelry, but I like to repurpose and reuse. I prefer the old jewelry to the new. Okay. अगर आप सब कुछ हमेशा बिग बॉस में वापस आते हैं. एक्चुअली ऑनेस्टली मैं ये सीजन ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. लोग मुझे बहुत मुझसे बहुत नाराज़ है क्योंकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. मुझे रोज़ कुछ ना कुछ ट्विटर पे दिखाई देता है कि तुम्हें पता नहीं तुम ये क्यों नहीं कर रही हो, तुम वो क्यों नहीं कर रही हो, मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूँ. सो आई फील अ लिटिल गिल्टी फॉर नॉट फॉलोइंग, बट ऑनेस्टली आई कैन नॉट कॉमेंट क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है एंड आई फील इट इज़ इररिस्पॉन्सिबल टू कॉमेंट ऑन समथिंग व्हेन यू डोंट नो द फैक्ट्स. सो पहले अपना स्टडी करो and let me study Big Boss, then I'll comment on it. I think audience को यही tips देना चाहूँगी fashion को लेकर कि please be responsible with your fashion. Don't just be a consumer, be a conscious consumer. आप अगर कुछ ले रहे हो तो quality over quantity is always a good thing. And buy something with जो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, मगर ये सोचो कि किसी इंसान ने बनाया है,
उन्होंने अपनी मेहनत डाली है उसमें और बहुत सारे लोगों ने साथ में मिलके ये गारमेंट आपके लिए बनाया है. तो थोड़ा महंगा होगा मगर इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ फैशन. एंड आई थिंक ये वक्त बदलना चाहिए. ये फास्ट फैशन शुड बी आउट बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग फैशन इंडस्ट्री एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द अर्थ मोर देन एनीथिंग एल्स फास्ट फैशन. सो डेफिनेटली प्लीज बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर. Oh my gosh, I have a film coming out. It's called Codename Abdul. It's supposed to be releasing in April. So I'm very excited for it. Please wish me luck. And yeah, always working on something or the other. Thank you. क्या चीज़.